मैं सभी से अपील करूंगी कि इस बार आप लोगों को नेता नहीं सेवक की जरूरत है और सभी लोग मुझे अपनाएंगे। मैं सिवान की बेटी होने के नाते नाते मैं सिवान की सेवक भी हूं और सिवान की सेवा करने का मेरा परम सौभाग्य है कि इस बार मुझे मौका मिलेगा। आप भी लड़ रही हैं, यहाँ पे आरजेडी ने भी कैंडिडेट उतार दिया, साहबुद्दीन साहब को कई बार कवर किया, इसी प्रतापपुर में आकर प्रतापपुर आकर हमने देखा है। आप लोग का जो संबंध था आरजेडी से, वो अचानक क्या रीजन रहा कि ऐसा हो गया? कि ऐसा कोई रीजन नहीं रहा, उन लोगों को लगा साहबुद्दीन साहब नहीं है तो अब वो बात नहीं रही उन लोगों के परिवार की। लेकिन मैंने तय कर लिया है कि सिवान हमारा है, सिवान के परिवार हमारे हैं, मैं सभी की सेवक हूँ। तो क्या एक सवाल और यहाँ साहब की, तो बिल्कुल जीतने के बाद अब जाएंगी तो क्या वो जीतने के बाद मैं शपथ लूंगी सिवान के लिए, सिवान के सभी समाज के लिए, सभी जो भी जरूरतें हैं यहाँ पर, जो भी परेशानियां हैं, सबसे बड़ी परेशानी है हमारे यहाँ की बेरोजगारी, दूसरी है बच्चे जो है वो शिक्षा से भाग रहे हैं, एजुकेशन से, तीसरी है हेल्थ। हेल्थ जो है यहाँ पे जो व्यवस्थाएं सरकारी योजना के तहत जो भी सदर हॉस्पिटल के हैं या रेफरल हॉस्पिटल के ब्लॉक के, वो सब चरमरा गए हैं। वक्त पे न डॉक्टर मिलते हैं न दवाई मिलती है। साहबुद्दीन जी की कमी खल रही है आप? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, वो कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। इसीलिए सभी लोगों ने मुझे आगे बढ़कर सहयोग किया है और कोई ऐसा कास्ट नहीं है, कोई ऐसा धार्मिक लोग नहीं है जो मुझे सहयोग नहीं कर रहे। आज वो रहते तो क्या आपको लग रहा था कि परिस्थितियाँ कुछ और होती? नहीं, परिस्थितियाँ यही होती और जो भी होता वो बेहतर होता। एक अंतिम सवाल, क्या आपसे आरजेडी लालू यादव जी, तेजस्वी जी, किसी ने भी मुलाकात? वो वक्त निकल गया था, मैं 6 महीना पहले अपना मैंने मोटो क्लियर कर दिया था कि मैं इंडिपेंडेंट ही चुनाव